हेलो दोस्त, नमस्कार। आप सब कैसे हो? मेरा नाम पीयूष यादव। दोस्त, हम जो कि अब क्योंकि सांस की बड़ी प्रॉब्लम, इसलिए मैं पौधे लगा रहा हूँ दोस्त। आम का पौधा जो कि साथ साथ फल भी दे और ऑक्सीजन भी दे। दोस्त, ये हम गड्ढे जो कि खन रहे हैं, बहुत गहरा, करीब एक हाथ का गड्ढा है जो कि हम कर रहे हैं। देख रहे आप, इसको गाँव में देसी खुरपी बोलते हैं, खुरपी बोला जाता है इसको, और भी कुछ बोला जाता है पर मुझे नहीं पता, पर इसको खुरपी बोला जाता है। और ये दोस्त आप सब देख रहे हो इसी तरह, और इसे मैं जा रहा था खाद लाने, जो कि काफ़ी पुराना खाद, करीब एक साल का जो कि गोबर होता है वो लाने जा रहा था मैं, और इसको मैं ले के वहाँ पर डालूँगा और बहुत बढ़िया। इसी तरह दोस्त, अगर हो सके ना, मैं वादा रखा हूँ करीब 1000 पौधे लगाऊंगा, और मैं ये आज पहला पौधा लगा रहा हूँ। और ये देख रहे हैं आप सब, इस खाद को बहुत, मतलब कितना काला है, आप सब देख रहे होंगे, बहुत काला है ये, देख रहे हैं, एक साल हो गया। इसीलिए इसको डालने से ना और फायदा सुना, पहले लोग क्या करते थे, पुराने से पुराने खाद डालते थे, इसी वजह से पैदावार भी पहले होता था, पर अब साला बिना खाद के पैदावार नहीं हो रहा है। इसीलिए दोस्त आप सब देख रहे होंगे, एकदम बढ़िया से मन लगा के देख रहे हैं, हम सारे खाद को ले, इस खाद को दोस्त अगर डालूँगा ना, बहुत अच्छे पौधा फल भी अच्छा देगा, और जो पकड़ बनाएगा ना जड़ से, वो तो बहुत मजबूत होगा। आंधी तूफान कुछ भी है, गिरने की चांस नहीं रहती। देखिए दोस्त, हम लेके जा रहे हैं इसको अब, और उस पौधे में डालूँगा, और ये हमारे सामने हमारे भैया जी और मम्मी हैं हमारे, और जो कि हमारे भैया की लड़की है वो, और ये देख रहे हैं आप सब, भैया हम बता रहे हैं कैसे क्या करना है। हम इसीलिए देख रहे हैं ला के, अब इसको थोड़ा सा डालेंगे अंदर, देख रहे हैं अब इस गड्ढे में डालेंगे थोड़ी सी इस खाद को, डालने के बाद थोड़ी सी मिट्टी का प्रयोग करेंगे इसमें, और इसी तरह आप सब देख रहे होंगे। हो सके तो आप सब ज़रूर पौधे लगाइए घर में, अपने अपने हर जगह पौधे लगाइए, रोड पर लगाइए, जहाँ जगह मिले वहीं लगाइए पौधे, क्योंकि पौधे का रहना अनिवार्य है। सिटियों में आनंद नहीं मिल पाता जो आनंद मिलता है गाँव में। दोस्त देखिए, आम के पौधे, दो पौधे हैं, सॉरी दोस्त मैं भूल गया था, दो पौधे एक साथ हैं जो कि हम सब लगा रहे हैं इसको। देख रहे हैं, ये देखिए पौधे को लगा रहा हूँ, बड़ी मेंटेनेंस लगाता हूँ, बड़ी फोकस करके। ये कैसे क्या हुआ था ना, कि जो आम का छिलका होता है उसको गुठले को फेंक दिया था, तो आम पकड़ लिया था, तो इसी की उस वजह से लगा रहा हूँ। देख रहे हैं आप सब, बड़ी मेंटेनेंस, बड़े प्यार से, बड़े अच्छे से लगा रहा हूँ, क्योंकि पौधा बहुत ज़रूरी है। ऑक्सीजन अगर न मिले हम लोग को ना, तो कसम से ये वादा है कि सब मर जाएंगे। देख रहे हैं, इस खाद को मैं डाल रहा हूँ, इस खाद को डालने के बाद दोस्त, इस समय इस साल 50 डिग्री जो कि गर्मी पड़ी थी, 50 डिग्री सेल्सियस गर्मी थी दोस्त। मैं बता रहा हूँ ना कि मैं सुबह 9 बजे कूलर चलाता था, 3 बजे तक मैं पानी सूख जाता था, नहीं तो सुबह 7 बजे तक सूखता था। मैं बहुत परेशान हो गया था कि कैसे हो रहा है, दिन भर में कूलर में 2 बार पानी डालते थे। इसीलिए दोस्त आप सब देख रहे होंगे, इसको मैं बढ़िया से मेंटेनेंस, इसीलिए मैं वादा किया हूँ कि आप लोगों से भी यही कहूँगा कि आप लोग भी डालिए। देख रही है ये, वाह क्या बढ़िया, मतलब बहुत अच्छा पैदावार, जब ये गर्म फेंकेगा ना तभी तो वहाँ पैदावार बढ़िया होगा। आप सब देख रहे हैं, फर्स्ट क्लास, एकदम लाजवाब से, बड़े प्रेम से लगा रहा हूँ इस पर। देखो आम को, करीब हमको लग रहा है 4-5 साल बाद ये फल भी देगा, और छा भी देगा, और ऑक्सीजन भी देगा। तीन चीज़ देख, देखिए एक पौधे से कितने भी राहत मिल रहे हैं, बहुत सी राहत मिल रहे हैं। इस पत्तों को मैं थोड़ा इसलिए तोड़ दे रहा हूँ क्योंकि ये जो नीचे थे ये थोड़ा डिस्टर्बेंस कर रहे थे, इसलिए इसको तोड़ के थोड़ा सा भैया जी हमारे हेल्प कर रहे थे मेरा थोड़ा सा। और इसी तरह देख रहे हैं आप सब, भी हो सके तो पौधे लगाइए। देख रहे हैं, मुक्के से मैं मार रहा था ताकि जो मिट्टी थी वो बैठ जाए। देख रहे हैं, बॉक्सिंग भी थोड़ा कर लिया, हाथ भी मजबूत हुए हो गए हमारे। नहीं नहीं, काफ़ी एकदम लगा हुआ हूँ कि पौधे ज़रूर है, और गांव के नज़ारे तो पूछो। मैं तो इस डंडे को मैं लगा रहा था ताकि जो पौधा है हमारा, भैया ने बोला इस डंडे को लगा दो, इस पौधे को सीधा जाए, कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो इस पौधे में, इसलिए मैं इस डंडे को बढ़िया से लगाया हूँ। देख रहे आप सब, ये बढ़िया से लगाया हूँ ताकि ये मेंटेनेंस रहे। देख रहे, इसी वजह से देख रहे हैं आप सब, एकदम बढ़िया से, लाजवाब, एकदम बेहतरीन। हमारे बड़े भैया का इसमें सबसे ज़्यादा हाथ है, क्योंकि वो बहुत हेल्प किए हैं, मेरी माता जी भी।
वो दोनों ने लग के इस वादे को, मेरा इच्छा नहीं थी फिर भी वो दोनों ने कहा कि अब मेरा वादा है, तो माँ और भैया का कहानी भैया वो सपना पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि पौधे के लिए उन्होंने वादा किया मुझसे। लेकिन मैं नाली थोड़ा बना रहा था कि पानी डालने वसा नहीं हुआ, तो मम्मी ने बोला कि इसको ऐसा ना करो, आप पूरा उसी कर दो, जब बारिश होगी तो खुद ही बैठ जाएगा अंदर। मैं कहा ठीक है कोई बात ही नहीं, तो स्कूल में इसलिए उसको बैठा दिया। देखिए नाली बना रहा था, देखिए थोड़ी देर बाद मैं इसको कह, तो दोस्त आप सब भी इस बात को मानिए और आप सब भी ये करिए और घर में पौधे लगाइए, हो सके तो जितने पौधे आप सब चाहें उतना लगा सके, ना हो तो अपने घर में उगाइए पहले पौधे को, उसके बाद हर जगह लोगों को बांटिए, लोगों को दीजिए पौधे को, और काफ़ी पौधे लगाने से काफ़ी अच्छा और काफ़ी फ़ायदेमंद होता है, नुकसान तो कभी पहुंचाता नहीं है। इसलिए दोस्त सच्चे वीडियो अच्छा लगे लाइक।